नमस्कार दोस्तों। अगर दोस्तों आप 10वीं पास हैं और दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं यानी कि IARI पूसा में नौकरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि जो वैकेंसी आउट हुई है वो दिल्ली के IARI पूसा के अंतर्गत आउट हुई है। आपकी जो पोस्टिंग होगी डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स IARI पूसा में होगी। तो बेसिकली दोस्तों 10th पास की पोस्ट आउट हुई है जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, सिर्फ आप फ्रेशर्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के 0 रुपीज चार्जेस हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी रहेंगे। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC कैटेगरी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए काफी कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि 10th पास आप हैं तो आप एलिजिबल हैं, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों DBT फंडेड प्रोजेक्ट है जिसके आपकी पोस्टिंग की जा रही है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है दोस्तों, पक्की सरकारी नौकरी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो बेसिकली दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको डायरेक्टली उसका एक प्रिंट आउट निकालना है, उसको फिलअप करना है, नीट एंड क्लीन फिलअप करना है, उसको कटिंग नहीं कर दी दोस्तों। उसके साथ अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के सेल्फ अटेस्ट करने हैं, उन सबको एक जगह लगा के उनके एक PDF बनाने ना दोस्तों, उनकी एक सिंगल PDF बनानी है, ध्यान से समझना, अलग अलग PDF नहीं बनानी, सिंगल PDF बनानी है। वो PDF बनाने के बाद आपको मेल करनी है, मेल कहां पे करनी है मैं आपको वो बता देता हूं, firoz@mai.ze@irai.res.in, यहां पे आपको मेल करनी है। लास्ट डेट की बात करते हो, जो पहले इसकी लास्ट डेट बताई जा रही थी वो थी 11 अक्टूबर, लेकिन अब इसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंडेबल कर दी गई 15 नवंबर 2021, अब इसकी लास्ट डेट है दोस्तों, से पहले पहले आपको ये मेल करने हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।